ये भानगढ़ का नाम सुना है ना आपने? हाँ हाँ। एक ही रात में उजड़ हुई थी पूरी नगरी है। एक रात में? एक रात में। और जो कहानियाँ हमने सुनी है कि यहाँ भूतों का डेरा है ये सब, वो सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। जो तांत्रिक की छतरी है वहाँ। अच्छा, जो है वो सब झूठी है? ये देखिए सीढ़ियाँ हैं पहले की बनी हुई, पूरा यहाँ पे पहले गांव हुआ करता था, सारा उजड़ गया। ये भानगढ़ का नाम सुना है ना आपने? हाँ हाँ। एक ही रात में उजड़ हुई थी पूरी नगरी है। एक रात में? एक रात में। और जो कहानियां हमने सुनी है कि यहाँ भूतों का डेरा है ये सब, बिल्कुल, बिल्कुल, वो सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई हो। तो हमने तो अभी तक तो वैसा कुछ महसूस नहीं किया। इसके अंदर रहते हैं? ये यहाँ अंदर नहीं, महल है। हाँ। ये रानी जी का महल है इधर। अच्छा। रानी रत्नावती। हाँ। रानी रत्नावती। हाँ। आजकल तो क्या औरतें रोज नहाती है। हाँ। पहले औरतें नहाती थी ना। हाँ। तो मूर्त नक्षत्र देख के नहाती थी। अच्छा। रानिया। अच्छा। तो 10 दिन 15 दिन में नहाती थी औरतें। हाँ हाँ। बाढ़ वाड़ बहती थी। हाँ हाँ। समय के हिसाब से। हाँ हाँ। तो उस समय रानी ने ऐसे कहा था, दासी को बोला कि तेल लेके आ बाजार से। अच्छा। कटोरे में। हाँ हाँ। क्योंकि नहाने के बाद सिर में तेल भी तो लगाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो दुकान पे चली गई। हाँ। तो रास्ते के अंदर ना वो छतरी हो रही। हाँ हाँ। वो सिंधिया सेवड़ा की छतरी थी। तांत्रिक। अच्छा। है ना। हाँ। तो वो मिल गया उसको रास्ते में। हाँ। कहाँ जा रही है जल्दी जल्दी? हाँ। तो ऐसे करिए कि रानी साहिबा ना आएगी तो मैं तेल लेने जा रही हूँ। हाँ हाँ। सिर में लगाएगी तेल। अच्छा। तो कभी तेल लेके आए ना तो मेरे से मिलती भी जाना। हाँ। अब दासी तो दासी है। हाँ। अब वो तेल लेके बोल कर क्या है, वो उसके अंदर कोई जादू कर दिया तेल के अंदर। अच्छा। कि तेल जहाँ भी गिरेगा ना, जिसके ऊपर हाँ। भी गिरेगा ना। हाँ। वो सीधा मेरे पास आएगा। हाँ। और वो रानी के पास जाती। हाँ। तो देखते ही है ना, रानी ने उसको पूछा, भाई तू कहाँ रुक गई थी, तेरे को रास्ते में कौन मिला? हाँ। वो भी सतमान थी ना। हाँ। कहते मेरे को तो सहिंदा सेवड़ा मिला था। कहते हाँ। क्या बोल रहा था? कहते कुछ नहीं बोल रहा था। कहते इस तेल में क्या किया उसने? कस मेरे को नजर आ रहा है सारी चीजें। कस कहते कुछ भी नहीं किया। कस कैसे नहीं किया? हाँ। तो तेल का कटोरा है ना, एक सिला थी ऐसे। हाँ। कम से कम 5-10 टन की। हाँ। कितने की? 5-10 टन। टन तो इतनी बड़ी, इतना बड़ा पत्थर था मतलब, है ना। तो उसके ऊपर पटक दिया उसको तेल को। अच्छा। तो सारी जो सिला थी ना पत्थर। हाँ। की सिला उठ के उसके ऊपर जाके गिर गई वो तांत्रिक के ऊपर और वो मर गया। मर गया। उस दिन से सारी यहाँ से ये महल मंदिर सारे बने हुए ना, सारे के सारे लोग छोड़ छाड़ के सब चले गए। तो उसी ने श्राप दिया था कि मतलब इस नगर में कोई रह नहीं सकता। कोई नहीं रह सकता है ना। और फिर वो जो आमेर है ना, नाम सुना है? आमेर वहाँ पे कल गए थे हम। हाँ। आमेर। हाँ हाँ। यहाँ से उठ के फिर आमेर नगरी बसी थी। अच्छा अच्छा। जयपुर तो राजधानी बाद में बनी थी। हाँ। पिंक सिटी। हाँ। पहले आमेर थी। हाँ। मतलब भानगढ़ के लोग जाके आमेर में बस गए। आमेर में बस गए। अच्छा। तो तांत्रिक वहीं रहता था ऊपर पहले। हाँ। जयपुर यही था। पहले जयपुर यही था। यही था जयपुर पहले। हाँ। पुराना बाजार, ये पूरी हवेलियां वगैरह सारा। फिर आज भी जो बसावट है ना। हाँ। यहाँ की जो बसावट है ना आमेर में, ऐसी कैसी बसावट है। हाँ। पूरी बसावट। हाँ, मतलब लोग बता रहे थे कि यहाँ के जो जैसा नक्शा है उसी टाइप का नक्शा जयपुर और आमेर का बना हुआ है। और यहाँ पे जिंदों की सभा होती थी। जिंदों की सभा? अच्छा। सभा जानते हो ना? हाँ, सभा मतलब 50 आदमी इकट्ठे। हाँ। मतलब जिसको पंचायती बोलते। हाँ, थे। हाँ, जैसे पार्लियामेंट में सदस्य। हाँ, होते ना अलग अलग जगह के। हाँ, 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 वो। अच्छा। ये इधर आगे जाके बड़का पेड़ है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़। हाँ, 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 वहाँ जिंदों की सभा होती थी। अच्छा। तो जिंद होते थे अलग अलग जगह, जैसे बड़े बड़ी बावड़ियाँ होती थी ना। हाँ, एक बावड़ी के अंदर एक जिंद होता था। तो जो भी कोई, जैसे मान लो कोई औरत पसंद आ गई उसको। हाँ। तो उस औरत को वहीं रख लेता था वो। अच्छा। ऐसे कहानियां बहुत है, हर हकीकत है सारी चीजें। हकीकत है तभी तो इतनी वो है प्रचलित है। अरे पहले रात को यहाँ कोई रुकता नहीं था। हाँ। अब तो काफी चहल पहल हो गई। हाँ। मेरे को, मैं शुरू में आया था यहाँ से,
32 साल पहले। हमेशा लगातार आते रहते हो आप? 32 साल से तो मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। हाँ। क्योंकि वो जो भैरू जी का स्थान है ना आगे, हाँ। हनुमान जी के सामने, हाँ। वो हमारे पूर्वजों का है वो। अच्छा अच्छा। इधर इधर जाके शिव जी का मंदिर है एक। हाँ, वो देखा हमने, सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर है, टूट रहा है ना लिंग। हाँ। उसपे क्या लिखा हुआ था? हाँ। उसपे लिखा हुआ था कि मुंड फोड़े से माया मिले। अच्छा, इसका मतलब? इसका मतलब था कि सिर फोड़ने से माया मिलेगी। अच्छा, तो जितने भी लोग आए ना, काफी सारे लोग आए, हाँ। सबने सिर फोड़ा उसको। अच्छा, सबके फूट गए लेकिन किसी को माया नहीं मिली। नहीं मिली। हाँ। लेकिन एक आदमी ऐसे था अज्जड़, हाँ। पागल, तो उसने ऐसे देखा, इसने दुनिया का सिर फोड़ दिया, आज मैं इसका सिर फोड़ूंगा। इतना मोटा लिया पत्थर, हाँ। उसको फोड़ दिया शिवलिंग को। अच्छा। उसमें माया ही माया निकल गई फिर। हाँ। वो आज भी टूटा पड़ा ऐसे ही हो। हाँ, देखा हमने, थोड़ी दरार थी उसमें। ये चीजें हैं। तो क्या था, इधर दोसा साइड में है ना, हाँ। दोसा साइड में उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम 70 साल पहले की। हाँ। तो एक पहले साधन नहीं हुआ करते थे। हाँ। इसमें क्या चल रहा है? ये ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ मैं, YouTube वगैरह पे डालता हूँ थोड़ा। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। तो उसमें ये बताते, हाँ। कि वो अपनी दुल्हन को, नई नई दुल्हन थी, उसको लेके ऊंट की सवारी पे बिठा के लेके जा रहा था। हाँ। अब रास्ते में उसको प्यास लगी। हाँ। रास्ते में प्यास लगी तो ऐसे कोई नल तो थे नहीं। हाँ। या तो कुआ था या बावड़ी थी। हाँ। तो बावड़ी रास्ते में मिली, बावड़ी के अंदर वो पानी पीने चला गया। पानी पी के वापस आ गया तो उसकी जो दुल्हन थी ने, हाँ। तो वो भी पानी पीने चली गई। हाँ। तो पानी पीने वो गई ने, उसको जिंद ने उसको रख लिया वहीं। रख लिया वहीं पे। और वो घोड़े उस पे ऊँट के ऊपर बैठ के सवारी, हाँ। फिर वो चल दिए वहाँ से। हाँ। उसके बाद में देखो सुनो, उसने ये देखा कि मेरी दुल्हन कहाँ गई। हाँ। करीब 2-3 किलोमीटर आने के बाद में, हाँ। क्योंकि पहले तो उसने ये देखा कि मेरी दुल्हन कहाँ गई। हाँ। क्योंकि पहले लाज शर्म इतनी थी कि औरतें भी दूर दूर आदमी से दूर रहा करती थी, अकेले में भी दूर रहती थी। हाँ। शर्म इतनी थी, आजकल तो कोई शर्म ही नहीं है। हाँ, आजकल तो थोड़ा कल्चर चेंज हो रहा है, धीरे-धीरे कॉमन हो गए, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है यहाँ पे। मैंने उस समय की बात बता रहा हूँ। हाँ। तो उसने मालूम किया कि यार मैंने पानी पिया था एक जगह। हाँ। किसी ने पूछा यार, तो उन्होंने बताया कि यार बावड़ी के अंदर पानी पीने गई थी। हाँ, गई थी। तो उसने जंद ने रोक लिया उसको। तो कह सब क्या करेगा तब? हाँ। वो बहुत परेशान हो गया बेचारा। नहीं नहीं, दुल्हन उसकी गायब हो गई। हाँ। तकलीफ तो होती है देखो। हाँ। तो किसी देवता के उसने, किसी भूमिया बाबा के पूजा करवाई उसने। हाँ। पूजा करवाई तो उसने बताया कि भाई तेरी जो घरवाली है ना, उसको जिंद बाबा ने रोक लिया। अच्छा। लेकिन इसका मैं तेरे को रास्ता बता सकता हूँ। हाँ। दिला तो नहीं सकता। हाँ हाँ। लेकिन उस जिस रास्ते से तू जाएगा ना, वहाँ से कन्फर्म तेरे को मिल जाएगी। तो दोसा के अंदर, दोसा पास में ही है। हाँ। तो उसकी डूंगरी है पहाड़ी। हाँ। वहाँ पे नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, बहुत पुराना। हाँ। वहाँ पे भूमिया जी का स्थान है। अच्छा। वहाँ जाके भूमिया जी से पूछो, वो बताएंगे सारी चीजें। हाँ। क्योंकि पहाड़ी के ऊपर है तो सारा नजारा पता रहता है उसको। हाँ। तो भूमिया बाबा के जोत करवाई। हाँ। भूमिया बाबा को बुलाया, उसने अरदास करी, वो आया तो उसने बताया कि तेरी घरवाली है ना भानगढ़ के अंदर, अमावस्या के दिन रात को 12 बजे जिंदों की सभा होती है वहाँ पर। हाँ। वहाँ जाओ। अच्छा। वहाँ आसपास के जितने भी जिंद होती है ना, हाँ। उस सबकी सभा होती है, उस मीटिंग में सारे सारे आते हैं। हाँ। तो छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। हाँ। तू डरना मत, लेकिन वहाँ पर। हाँ। वहाँ जाके ऐसे पेड़ के ऊपर वो ऊपर बैठ गया। हाँ। उसी बरगद, बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। अच्छा, ये जो यहाँ पे था बड़ा, इधर नहीं, वो इधर है जो गणेश जी का मंदिर है ना। हाँ हाँ। गणेश जी के मंदिर के साइड में वो बहुत बड़ा। अच्छा। आपने देखा नहीं शायद? नहीं, हमने उधर नहीं देखा। हम देखना है ना। तो क्या हुआ भाई साहब, रात को करीब 10 बज गए, 10:30 बजे, सर्दियों के दिन थे है ना, और अंधेरी काली रात थी। हाँ। अमावस्या की रात थी, काली होती है। हाँ। तो दुबक के बैठ गया बरगद। हाँ। तो इंद्राणी आती है। हाँ। झाड़ू लगाने वाली, भाई जिंदों की सभा होगी तो साफ सफाई कर दो। हाँ। इंतर छटकने वाले दूसरे लोग आ गए। सब लोग आ गए, सबकी अलग अलग सभा हो गई, सबकी कुर्सियां लग गई अलग अलग। हाँ। एक छोटी कुर्सी, एक बड़ी कुर्सी, जैसे मोदी जी की है, अमित शाह की है। हाँ। अपने अपने स्टेटस अनुसार सबकी लग गई। हाँ। उसके बाद में एक कुर्सी खाली रह गई। हाँ। वो देखता रहा सबको, मोदी जी भी आकर बैठ गए। हाँ। तो मोदी जी ने आके देखा, यार यहाँ पर इंसान की खुशबू आ रही है। हाँ।
कि यहाँ इंसान की, इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उसने देखा कि इंसान तो हो नहीं सकता, बोलाया भाई तो भाई तू नीचे आ जा, घबरा मत, डरने की बात नहीं, नीचे उतर जा। नीचे उतर के जैसे आया ना, बता भाई तेरे को क्या समस्या है। तो उसने जो उसके तो कलेजे में आग लग रही थी ना, वो बताया मेरे को किसी ने बताया कि तेरे को किसने बताया यहाँ का एड्रेस, कि मेरे को भूमिया बाबा ने बताया कि वहाँ जाओ आप। चलो कोई बात, तेरी घरवाली गई ना, तेरी घरवाली बुलाते हैं। बोला कि जिस बावड़ी में पानी पिया था ना, उस जंद का कुछ नाम था, मुझे याद नहीं, एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, तो उसको बुलाया, बुलाओ उसको, कहाँ है वो? कहता साहब वो तो आया नहीं, उसकी सीट तो खाली है, पकड़ के लेके आओ आप। चार जिंद गए वहाँ से, उसको पकड़ के लेके आए और उसको बोला तेरे पास इसकी घरवाली है? तो वहाँ से उसकी घरवाली को सौंप दिया। ऐसे यहाँ पर जिंदों की सभा होती थी, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर है ना रानी रत्नाव का, रानी रत्नावती का महल है, रानी रत्नावती ऊपर है, और यहाँ पर एक जिंद, जिंद बाबा की सवारी भी आती है। अच्छा, स्थान है बहुत बड़ा, मतलब अभी भी जो कहानी हमने सुनी है वो थोड़ा बहुत सच्चाई है उसमें, काफी सच्चाई है इसके। अच्छा, काफी सच्चाई। चलिए चल, कहने को कह रहे हो, हम अभी इसमें गए नहीं है, मंजिले वैसे तो है काफी ऊंचाई पे है, लेकिन और काफी ऊंचा भी है, तो हो सकता है चार मंजिले बची। ये जान को हथेली में लेके दीपक भाई उतरते हुए नीचे। हाँ नहीं, बस थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, वैसे भी तो बंद होने वाला है, ये दो घंटे में बंद हो जाएगा। चलिए, आपका भी वो वेट कर रही होंगी आपकी। हम तो गांव जाएंगे। सो गाइस, यही था भानगढ़ का किला, हमने एक्सप्लोर किया जितना कर सकते थे, और बाकी सारे कमरे तो लॉक कर दिया गया है, और ये पहले 7 फ्लोर का हुआ करता था, अभी सिर्फ 4 फ्लोर बचे हुए हैं इसमें, और सबकी छतें यहाँ पे ढह चुकी हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितना भी है ये लोकेशन, और यहाँ बीच में एक मंदिर है। तो ये मंदिर में वो कुछ लोग बता रहे हैं कि रात को एक बूढ़ा आदमी रहता है जो कि पत्थर लेके घूम रहा है, हमें मार्ग, मतलब आदमी जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनको इस एरिए में नहीं आने दे रहा है वो। सो हम भी अभी बच के ऊपर आए हैं उस साइड से। सो अभी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और मुझे सपोर्ट मिल जाएगा उससे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और